दाल पीठा, दाल ढोकली या दाल की दुल्हन, जो नाम आपको अच्छा लगे या आपके इधर बोला जाता हो आप वो नाम दे दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ दाल पीठा की रेसिपी शेयर करूंगी जो यूपी बिहार के टेस्ट में होगी, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत झटपट तैयार होने वाली। इसमें सबसे पहले जितने आपके फैमिली मेम्बर हो, जैसे ये जितनी क्वांटिटी का मैं बना रही हूँ, अरहर की दाल धो के इसको बॉईल कर लेना है। इसमें थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच तेल और नमक डालूँगी। तो ये मेरे जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ, चार लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसको जो नॉर्मल जितनी सिटी में आपकी दाल पकती है उससे 80% पकाना है, क्योंकि आगे 20% दाल पीठा डालने के बाद में पकाएंगे। अब इसमें मैंने 3 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि दाल में भी नमक डाला है, और अजवाइन को हाथ से मैश करके और 1 चम्मच तेल। अब इसको जो है पहले मिक्स कर लेना है सारे मसाले या नमक वगैरह जो तेल मिलाया है। इसके बाद एकदम टाइट आटा, जो पूड़ी का आटा जो हम लोग बेलते हैं, उस तरह से इसका डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, एक साथ पानी ना डालें कि गीला हो जाए। इस तरह से ये मेरा बिल्कुल टाइट डो तैयार हो गया। जब तक हमारी दाल पक रही है, अब इसके हम ढोकली बनाएंगे या पिट्ठा बनाएंगे। तो मैंने 2 हिस्से में उसको डिवाइड करके बड़ा सा बेल लिया। कई तरीके से बनती है, लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्ट अच्छा आता ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी, दाल, रोटी, चावल, ये सब बनाने से कभी नहीं बनाने का मन होता या टेस्ट भी चेंज करने का मन होता है। इस तरह से मैंने इसको पूरा एक बड़ी सी बेल के और गिलास से इस तरह से गोल गोल करके उसको कट कर लिया। अभी हमारी छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं वो निकाल लेंगे। इस तरह से, और दोनों हाथ से इस तरह से चारों कोने निकल जाए। कितनी अच्छी देखने में लग रही है, चार कोने अलग अलग। इस तरह से मैं थोड़ा 2-3 पीस बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल। और वैसे आप किसी भी इसके 4 हिस्से में काट के या डायमंड शेप में काट के जैसा डालना चाहें, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छी लग। लास्ट में मैंने दूसरा मेरा डो था उसमें छोटे छोटे टुकड़े जो बचे थे उसको ऐसे ही डाल दिया था। इस तरह से यह हमारा पिट्ठा तैयार हो गया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक बार बना के ज़रूर देखिए, दाल को एक बार चेक करेंगे। ये मेरी कम से कम 80% दाल पकी हुई है, गल गई है अच्छी तरह से, लेकिन मिक्स नहीं हुई। अब इसमें जो पानी ज़्यादा लग रहा है, तो पानी, क्योंकि पीठा भी पकाना है, तो जो नॉर्मल आप लोग दाल पकाने में या हम लोग बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। अब इसमें मैं आम डालूँगी, जो कच्चे आम इस समय आ रहे हैं, तो 1 पूरा आम मैंने डाला है। इसके बाद ये जो पीठा हमने बनाया वो डाल दिया। अब इसको कम से कम एक बार अच्छे से बॉईल आने के बाद 10 मिनट ढक के पका लेना है अच्छी तरह से, तो पूरा हमारे पिट्ठा पक जाएंगे। इस तरह से मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट ढक के पकाया। अब इसका जो तड़का लगाएंगे, प्याज, लहसुन, अदरक, 1 टमाटर बड़े साइज़ का है, 4-5 हरी मिर्च, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाल मिर्च उसमें तड़के में भी डालूँगी कलर के लिए, और पिट्ठा में भी डाला है, और कड़ी पत्ता। 10-12 मिनट पकने के बाद देखिए इस तरह से कितनी गाढ़ी दाल हो गई और अच्छी तरह से मिक्स हो गई और हमारी पिट्ठा भी पक गए। अब तड़का के लिए एक कढ़ाई में तेल लेके जीरा, राई, थोड़ी सी हींग और प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो हमने चॉप किया था वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ पकने के बाद टमाटर को थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए मैंने डाला है, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो आपके पास ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं टमाटर से भी अच्छा कलर आ जाएगा, क्योंकि लाल का टमाटर है। और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि देखिए दाल में भी नमक डाला है, पिट्ठा में भी नमक डाला है, तो इसको सिर्फ जितना हमारा टमाटर और ये है उस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब टमाटर अच्छी तरह से हमारे गल गए, अभी हमारे जो दाल पिट्ठा है उसको इसमें डाल दिया, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करके अब ये गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
इस समय हरे बढ़िया कच्चे आम आ रहे हैं, इसके खटास के लिए आम, एक पूरा आम मैंने डाला था, तो आप जितनी क्वांटिटी का बनाएं, और अगर आम ना हो तो आप इमली डालिए, लेकिन इसकी इसमें खटास जो होती है बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो बीच बीच में पुरानी रेसिपी बना के अपने बच्चों को ज़रूर दिखाया करिए कि हम पहले हम लोग के दादी नानी लोग क्या बना के खाती थी उस टाइम जब बर्गर और पिज्ज़ा और नूडल्स नहीं होते थे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।